अखिल विद्यार्थी परिषद द्वारा 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक न्याय पद यात्रा निकालने को लेकर आज नेहरू गार्डन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रोहित चौधरी ने बताया कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं जिले में हो रही हैं। आपराधिक घटना और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक न्याय पद यात्रा निकालेगी और इस यात्रा में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे। यह यात्रा करौली से शुरू होकर जयपुर पहुंचेगी और जयपुर पहुंचने पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और अलवर से भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं इस यात्रा में शामिल होंगे और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। इन सभी मुद्दों को विद्यार्थी परिषद उठाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान की ओर से न्याय पद यात्रा 3 अगस्त से 10 अगस्त तक निकाली जाएगी, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुख्य मुद्दे बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर हम यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र साथ रहेंगे। करौली से यह यात्रा शुरू होकर जयपुर में ख़त्म होगी। 10 अगस्त को जयपुर में हम विधानसभा का वहाँ घेराव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वहाँ संख्या रहेगी। अलवर से भी लगभग 100 से लेकर 150 की संख्या वहाँ जाएगी हमारी।